उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी का परीक्षा 17 एवं 18 अगस्त को दो पालियों में शहर के 7 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ। पीजीटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किया गया था। इस बारे में डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में कुल 6800 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 1400 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थी संदीप कुमार, दीपक, दिव्या त्रिपाठी, अपूर्वा मिश्रा, अमृता श्रीवास्तव एवं डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा। संदीप कुमार, किस तरह पेपर आया? पेपर जो था बढ़िया था, जिसने हम लोग पढ़ के आए थे सब्जेक्ट से उसके अकॉर्डिंग ही था, पेपर बढ़िया था जी। दीपक, किस तरह पेपर आया? पेपर बहुत अच्छा आया था। सेक्शन वाइज किस तरीके का? क्या सेक्शन वाइज किस तरीके का सही आया था क्वेश्चन सर? दिव्या त्रिपाठी, किस तरह पेपर आया था? सिविल से आया था, पॉलिटिकल साइंस से, पेपर अच्छा था। सेक्शन वाइज किस तरीके का? सेक्शन वाइज मतलब कोई इंटर तक के जो रहते हैं क्वेश्चन वही से, मतलब सिंपल से, कोई हार्ड नहीं था, सब अच्छा था। अपूर्वा मिश्रा, किस तरह पेपर आया? पेपर काफ़ी लेंदी था, टाइम कम पड़ गया सॉल्व करने में। मतलब पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लंबा था, टाइम कम था। क्या लगता है, मेरिट हाई जाएगा? हाँ, मेरिट हाई जाएगा, उम्मीद है। अमृता श्रीवास्तव, किस तरह पेपर आया? पेपर अच्छा था बट लेंदी था, और कुछ क्वेश्चन तो आते हुए नहीं हो पाया, लेकिन पेपर अच्छा था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। क्या लगा, मेरिट हाई जाएगा? हाँ, मेरिट हाई जा सकता है। सबका वही है कि जैसे जब टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है तो ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी सबके साथ। पीजीटी की परीक्षा आज 7 केंद्रों पर संपन्न हुई है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली ग्रुप में, प्रथम पाली हमारी 9:30 से 11:30 चली है और द्वितीय पाली 2:30 से 4:30 चली है। उसमें लगभग हमारे 6,800 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें लगभग 1400 बच्चे हमारे अनुपस्थित पाए गए, और बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा रही।